आज हम पढ़ेंगे, मैंने कल आपको बताया था डिजीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फर्दर हमने एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक कॉम्युनिकेबल दूसरी नॉन कॉम्युनिकेबल। तो पहले हम आज स्टडी करेंगे कॉम्युनिकेबल डिजीज। कॉम्युनिकेबल डिजीज को फर्दर कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉजेटिव एजेंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उनको लिए टर्म यूज कीजिए कॉजेटिव एजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिस तरीके से वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं उस बेसिस पर उनको फर्दर क्या किया गया है, कैटराइज किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट सिक्स टाइप के हैं। एक्चुअली हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको सिक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी की बेसिस पर उनकी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया ने कॉज किया है। वायरल डिजीज, तो वायरस ने कॉज किया है। प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोअन ने कॉज किया है। हेलमिंथीस डिजीज, हेलमिंथ्स ने कॉज किया है। फंगल डिजीज, फंगस के थ्रू कॉज हुई है। एंड रिकेट्सियल डिजीज, रिकेट्सिया से कॉज हुई है। तो मेनली इन्हें फोर सिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया गया है, उसी बेसिस पे कहा है कि इन एजेंट के थ्रू ये डिजीज कॉज हुई है। कुछ नाम यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं बिकॉज ऑफ, अब एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा विच टाइप ऑफ डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, हेलमिंथीस, प्रोटोजोअन एंड रिकेट्सिया, तो आपको बताना होगा। उसी बेसिस पे बैक्टीरियल डिजीज के नाम डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, सिफिलिस, टिटनस, टाइफाइड, प्लेग, नमोनिया, पी साइलेंट रहता है नमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड एंथ्रेक्स, ये सब कैसी डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, दैट्स वाई इनको बैक्टीरियल डिजीज में रखा गया है। वायरल डिजीज, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रेबीज, जैपनीज एंड कैपेलाइटिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस, ये सब वायरस से होने वाली डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज जैसे कि मलेरिया, अमीबोइसिस, कालाजार, स्लीपिंग सिक, ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। हेलमिंथीस जैसे टिनेसिस, एस्केरिसिस, एलिफेंटियासिस, ट्राइकाइनोसिस, लिवर रॉट एंड एकाइनोकोकेसिस, ये सब हेलमिंथीस से होने वाली डिजीज है। फंगल, रिंग वॉर्म, एथलीट फूट, कैंडिडेसिस, ये किससे होने वाली है, फंगस से। रिकेट्सियल डिजीज, टाइफस, देखो टाइफाइड और टाइफस में डिफरेंस है, टाइफाइड हुआ तो ये रहा टाइफाइड आपका, बैक्टीरियल डिजीज से होने वाला साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और ये टाइफस है, टाइफस फीवर, ये चीजें ही आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी रिकेट्सियल है, कौन सी क्या, जैसे कि ये बहुत पूछी जाती है टाइफस फीवर, ठीक है, ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर, स्पॉट फीवर, तो ये किसके थ्रू होने वाली है, ये रिकेट्सियल डिजीज है जो रिकेट्सिया के थ्रू होती है। क्यू फीवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्यू फीवर रिकेट्सिया, रिकेट्सिया से हुई है, ठीक है। अब आ जाइए, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉम्युनिकेबल जो डिजीज है उनको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिस, एक पॉजिटिव और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कॉन्टेजियस डिजीज एंड नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में दो ह्यूमन के बीच में, ठीक है। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, बट इन्फेक्टेड थिंग से वहां पर क्या है, कॉन्टेक्ट है, जैसे फूड, एयर, वाटर, ठीक है, फूड से होने के लिए, एयर से होने के लिए, वाटर, जैसे कि टेनिसिस, एस्केरिसिस, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सब कैसे डिजीज हैं, ये फूड, वाटर, एयर के थ्रू होने वाली डिजीज हैं। मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर इंजेक्टिंग इनसाइड द बॉडी, किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, सम टाइम बाय द सम कैरियर्स, कैरियर्स को एक नाम दिया गया है वैक्टर, ठीक है। इन वैक्टर के थ्रू क्या करता है, बॉडी में ट्रांसफर होता है। कौन है वैक्टर, जैसे आपने देखा है मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो वेक्टर कहलाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और क्या कॉज करता है, मलेरिया। ऐसे ही फिलेरेसिस, प्लेग, ये ऐसी डिजीज हैं जो वेक्टर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है।
तो मेनली आपको मेन टर्म्स लर्न करनी है. सबसे पहले वही बताया था मैंने आपको, डिजीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो बाय बर्थ थी और दूसरी हमने एक्वायर्ड पढ़ी थी. एक्वायर्ड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल. कॉम्युनिकेबल मतलब डायरेक्ट, ठीक है, जिसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर कॉन्टिजियस एंड नॉन कॉन्टिजियस, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और एक इन्फेक्टेड पर्सन, और यहाँ पर इन्फेक्टेड थिंग्स फूड वाटर एंड एयर, ठीक है. एंड कॉजिटिव एजेंट, कॉजिटिव एजेंट आपके बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथीस एंड रिकेट्सिया. उस बेसिस पर पूरा कॉम्युनिकेबल डिजीज डिस्क्राइब किया गया है. थैंक यू एवरीवन.